हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीतू कुमावत। आज मैं ऐसी क्रीम लेके आई हूँ जो कि पिंपल से लेकर घाव के लिए यूज़ में लिया जाता है, उसे कट में यूज लिया जाता है, या फिर कहीं मतलब छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, कुछ भी मतलब एलर्जी वगैरह कुछ भी हो जाता है ना, उसके लिए कौन सी क्रीम का यूज़ में लिया जाता है। तो ये क्रीम क्या है कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया को क्या करता है, रिमूव करता है। ये ऐसी क्रीम है, इसका नाम है पोवी फ्रेश क्रीम है, और फ्रेश क्रीम है, और ये बहुत अच्छी क्रीम है। ये क्या करता है, जैसे घाव वगैरह हो जाती है, कट विट लग जाता है, उसके लिए ये बहुत यूजफुल है। और ये कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, ये सब मैं बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। ये पोवी फ्रेश क्रीम है, जो कि इसके कंटेंट जानेंगे अपन कि भाई इसके कंटेंट क्या क्या है। तो इसके कंटेंट है पोइटिन, लॉडियन, ऑइंटमेंट, जो कि ये तीनों कितने डाला गया इसमें, 5%, इसमें डाला गया है 5%। तो पोइटिन आयोडीन क्या करते हैं, पोइटिन आयोडीन है जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। और ये कितने, ये कौन सी मतलब, ये जेनिक प्रोडक्ट है, ये जेनिक प्रोडक्ट है जो स्मार्ट लैबोरेटरीज से बना हुआ है, और ये हर मेडिकल में आप लोगों को मिल जाएगा। हर मेडिकल में ये क्रीम मिल जाएगी। और ये कितने ग्राम क्रीम है इसमें, 15 ग्राम, ये आपको दिख नहीं रहा, ये वैसे भी फ्रंट कैमरा है मेरा तो दिखेगा नहीं, ऐसे ठीक से उल्टा दिखाई देगा। तो ये 15 ग्राम क्रीम है, 15 ग्राम क्रीम में ये कितने प्राइस का मिलेगा, 27 का या फिर 26 में आपको ये क्रीम मिल जाएगी, और बहुत अच्छी क्रीम है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया को क्या करता है, रिमूव करता है। और ये कैसे कलर का है, देखो हल्दी कलर की क्रीम है ये, ऐसी क्रीम है। जब घाव हो जाता है या फिर कहीं कुछ चोट वोट लग जाती है, तो हल्दी को भी, हल्दी और घी लगाते हैं ना, वैसे में इसको भी, ये ऐसी क्रीम है, हल्दी की जैसी क्रीम है। तो पिंपल्स में भी इसका यूज, पिंपल्स के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, और कहीं घाव मतलब खुद एलर्जी वगैरह हो जाती है उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं, या फिर कट लग जाने पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ में आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्रीम है, और रिजल्ट आपको 15-20 दिन में आपको मिल जाएगा। तो गाइस, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। ओके गाइस, बाय।